हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जर्मन क्लास एंड आई एम आदित्य। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन जर्मन। इसको बोलते हैं पार्टिसिप परफेक्ट। कैसे हम पार्टिसिप परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाते हैं जर्मन में, और एक और इसके साथ ही स्ट्रक्चर होता है प्लुसकुम परफेक्ट। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्टिसिप परफेक्ट क्या होता है और प्लुसकुम परफेक्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको परफेक्ट फॉर्म लर्न होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस में प्लुसकुम परफेक्ट हो चाहे पार्टिसिप परफेक्ट हो, आपको परफेक्ट फॉर्म याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। यहां पे मैं कुछ परफेक्ट फॉर्म लिख रहा हूं स्क्रीन पे, आप देख सकते हो ऊपर भी साइड में। तो ये परफेक्ट फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए, जैसे स्पीलन गेस्पील्ट, हाबन गेहाप्ट, लैर्नन गेलैंट, श्राइबन गेश्रीबन, माखन गेमाक्ट। इनका मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, उसके बाद होती है थर्ड फॉर्म। तो ये जो है ये थर्ड फॉर्म है वर्ब्स की, जैसे डन प्लेड, ओके ड्रैंक गोन रिटन, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिप परफेक्ट इन जर्मन। ठीक है, तो सेंटेंस जैसे हम एक बनाते हैं, आई हैव डन, काम हो चुका है, कोई भी काम अगर हो चुका है, so this comes under participle perfect. I have done, पोलिनियम ich habe gemacht. अब आप देखो कैसे हमने लिखा है सेंटेंस को, ich habe gemacht means I have done. ये स्ट्रक्चर होता है, तो बिल्कुल इंग्लिश के एज इट इज पैरेलल चलता है। ich का मतलब I, habe मतलब have और gemacht मतलब done. ठीक है, ये आपको हो गया participle perfect. अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो परफेक्ट है gemacht जो लिखा है वो हमेशा लास्ट में ही लिखा जाएगा सेंटेंस के। ठीक है, बाकी दो स्टार्टिंग में, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में आपका परफेक्ट आएगा गेमार्क्ड, आई हैव डन, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है, तो जो परफेक्ट फॉर्म है वो हमेशा लास्ट में ही लिखी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ है वो उसके बीच में आएगा। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार, पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब सेकंड प्लेस पे, उसके बाद जो भी आपको लिखना है बीच में कंटेंट, और लास्ट में परफेक्ट फॉर्म। तो ये इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। जैसा कि मैंने बताया पार्टिसिप परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट जर्मन में होता है, कोई भी काम आप कर चुके हो, ठीक है, काम होने के बाद आप बताते हो। तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो इसको हम बोलेंगे, फिर दोबारा सेंटेंस फॉर्मेशन हम वही यूज करेंगे, इश हाब, ठीक है, फिर क्रिकेट और गेस्पील्ट जो कि परफेक्ट है वो लास्ट में। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इश हाब क्रिकेट गेस्पील्ट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। आप देखो बिल्कुल इंग्लिश के पैरेलल चल रहा है सेंटेंस, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है परफेक्ट फॉर्म। अब इसमें आप बोलोगे कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा हाबन ही नहीं आएगा, एक और हेल्पिंग वर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड जाइन, SEIN, जाइन मीन्स टू बी। तो काफी वर्ब्स होती है जो हेल्पिंग वर्ब जाइन लेती है, बट मेजॉरिटी ज्यादातर वर्ब्स हैं वो हाबन के साथ ही परफेक्ट बनाती है। आई वुड से 90% वर्ब्स हाबन लेती है, केवल 10% वर्ब्स होंगी जर्मन में जिनकी हेल्पिंग वर्ब जाइन आती है परफेक्ट सेंटेंस बनाने में, परफेक्ट टेंस बनाते टाइम। तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गेयन फारन कॉमन फ्लीगन अनकॉमन ऑफ स्टेन ब्लाइबन सुरुक कॉमन। ठीक है, ये ज्यादातर वर्ब वो है जो ट्रेवलिंग वर्ब होती हैं, मींस आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस आप जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो आप, तो मूवमेंट हो रही है, तो इस तरह से जो वर्ब्स होती है उनमें जाइन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो ये इसका सीधा सा फंडा है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको इस तरह से इजिली मेमोराइज कर सकते हो। तो जैसे एक सेंटेंस लेते हैं जाइन हेल्पिंग वर्ब के साथ, आई हैव गॉन यस्टरडे, आई हैव गॉन यस्टरडे, मैं कल गया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए I have gone yesterday. English में हमने have लिखा है क्योंकि English में helping verb हमेशा same ही रहती है have. उसमें दो verb नहीं होती, but German में हमारे पास दो helping verb होती है, तो हम यहाँ पे use करेंगे sein. क्योंकि हमारी main verb क्या है, I have gone. Gone जो verb है जो German में बोलते हैं इसको gehen. तो gehen मैंने अभी बताया था helping verb sein लेता है क्योंकि ये movement हो रहा है, आप एक place से दूसरी place में जा रहे हो। तो sentence क्या बनेगा, ich bin gestern gegangen. इश बिन गेस्टन और फिर गिगांगन,
यगांगन न्यू की परफेक्ट फॉर्म है गेन की। ये परफेक्ट फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी, लिस्ट इसकी गूगल पे आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी। आप सिंपल से लिखिए जर्मन परफेक्ट फॉर्म लिस्ट, आपको काफ़ी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो और लर्न करके डेली बेसिस पे 5 सेंटेंसेस डेली बनाइए, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बोल भी पाओगे और आप अच्छे से लिख पाओगे। तो ये सेंटेंस था जाइन के साथ, इश बिन गेस्टन गेगांगन, आई हैव गॉन। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही हैज कम, ही हैज कम, वह आ चुका है। तो यहां पे भी इंग्लिश में हैज ही रहेगा, हैज और हैव, बट जर्मन में कम मतलब आना, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब जाइन होती है। अगेन मूवमेंट है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप चलकर आए हो, तो सेंटेंस बनेगा एर इस्ट गेकोमन, एर इस्ट गेकोमन। देखिए बिल्कुल इंग्लिश के पैरेलल आप रखो, ही हैज कम, तो यहां पे हैज ना होके इस्ट आया, क्योंकि जर्मन में हेल्पिंग वर्ब जाइन लगती है, दूसरी दो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे जाइन लगेगी, जाइन की कॉन्जुगेशन होती है एर इस्ट और गेकोमन, ही हैज कम। तो ये था पार्टिसिप परफेक्ट जर्मन में। अब हम बातें करते हैं प्लुस्कुम परफेक्ट की, बहुत सिंपल है प्लुस्कुम परफेक्ट। जहां जहां भी हमने हेल्पिंग वर्ब जाइन यूज किया है वहां पे आपको वार लिखना है, और जहां जहां पे हमने हाबन यूज किया है वहां पे आपको हाटे लिखना है। चलिए देखते हैं एक सेंटेंस, इसका मतलब क्या होता है, जब पास्ट में आप एक काम कर चुके हो, उससे पहले भी दो काम कर चुके हो, मतलब पास्ट के ही दो इवेंट जब होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आई हैड, जैसे आई हैड डन, आई हैड डन, तो क्या बोलेंगे, हैड जो आया ये आपको बताएगा कि जर्मन में ये प्लुस्कुम परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। जैसे आई हैड गॉन, आई हैड ईटन, ठीक है, ही हैड डन, तो हम एक सेंटेंस लेते हैं आई हैड डन, तो इश हाटे, अब आप देख रहे हो हावन की जगह हम लिखेंगे हाटे, इश हाटे गेमार्क्ट, बाकी सेंटेंस सेम है, इश हाटे गेमार्क्ट, इसका मतलब है आई हैड डन, मैं कर चुका था, मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, ये रीसेंट पास्ट नहीं है, काफी पुराना पास्ट है। एक और सेंटेंस लिखते हैं जैसे जाइन के साथ, ही हैड कम, ही हैड कम, तो जो भी जर्मन इंग्लिश में हैड वाले सेंटेंस होते हैं, हैड डन, हैड कम, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका प्लुस्कुम परफेक्ट होता है, बिल्कुल आप सिंपल इसको याद रख सकते हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लुस्कुम परफेक्ट, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिप परफेक्ट, तो यही डिफरेंस होते हैं दोनों में। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा, काफी सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक बार और वीडियो को देखना दोबारा, और पार्टिसिप परफेक्ट की मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, उनको भी आप जरूर देखना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।